मंत्री श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जी सागर में उपस्थित, क्योंकि आज केवल मंदसौर नहीं पूरा प्रदेश के 413 शहर आपके गौरव दिवस से जुड़े हैं और आज मुझे सुन रहे हैं। आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, हमारे एमएसएमई मंत्री भाई ओम प्रकाश सकलेचा जी, हमारे पर्यावरण के और नवकरणीय ऊर्जा के मंत्री भाई हरदीप सिंह डंग जी, हमारे लोकप्रिय और यशस्वी विधायक, आप सबके आशीर्वाद और सहयोग से मंदसौर के गौरव दिवस के लिए दिन और रात जुटे थे। श्री यशपाल सिंह सिसोदिया जी, ये मांगते रहते हैं, पूरा हो जाता है फिर भी मन नहीं भरता, फिर मांगने लगते हैं। हमारे आदरणीय विधायक देवीलाल जी, हमारी जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती दुर्गा विजय पाटीदार जी, नगर पालिका के अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती रमा देवी बंसीलाल गुर्जर जी, हमारे अध्यक्ष नानालाल जी, आदरणीय चावला जी। अब मंच इतना भरा पूरा है कि सबका नाम लिया तो देर बहुत हो जाएगी। सभी धर्म गुरुगण, उनको मैं प्रणाम करता हूं, उनका नाम आ गया तो मान लीजिए सबका नाम आ गया। आप सबको प्रणाम, कृपा करके आप इस गौरव दिवस में पधारे और जनता का उत्साह बढ़ाया। हमारे तीन दसपुर रत्न बहन निर्मला जी, अनामिका जी, डॉक्टर बीएस मिश्रा जी, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, केवल यही नहीं पूरे प्रदेश के 413 शहरों में मुझे सुन रहे सभी बहनों भाइयों, बेटे बेटियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम, आप सबको नमस्कार। अद्भुत है ये दसपुर, ये मंदसौर, यहां पशुपतिनाथ भगवान की कृपा सदैव आप पर विराजती है। यहां तलाई वाले बालाजी मंदिर, उनकी कृपा भी लगातार आप पर बरसती है। और पशुपतिनाथ भगवान एक तो नेपाल में विराजे हैं और दूसरे मंदसौर में विराजे हैं, उनकी कृपा सदैव बरसती रहे। सचमुच में हम सारे शहरों का गौरव दिवस मना रहे हैं, इंदौर का मना, उज्जैन का मना, देवास का मना, 200 से ज्यादा शहर गौरव दिवस मना चुके हैं। जब पिछली बार पशुपतिनाथ भगवान के दर्शन करने मैं आया था तब यशपाल जी और सब वरिष्ठों से चर्चा हुई कि मंदसौर अद्भुत शहर, भगवान पशुपतिनाथ का शहर, सूरों और वीरों का शहर, और ये शहर वो शहर है जहां यशो धर्मन महान सम्राट उनने हूणों को धूल चटाई थी, कभी विजय प्राप्त नहीं करने दी। उनकी गौरव गाथा आज भी दिग्दिगंत में लगातार गूंज रही है। इस शहर का गौरव दिवस तो होनी चाहिए और इसलिए 8 दिसंबर तय किया आपने, और उस दिन जिस दिन हूणों पर महाराज ने, सम्राट ने विजय प्राप्त की थी, उनकी प्रतिमा यशोधर्मन महाराज की आज अद्भुत बनी है। मैं इस काम में लगे हुए सभी शहरवासियों को, सभी सहयोगियों को, सभी विद्वानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। अपना शहर है, सरकार तो कुछ करेगी लेकिन सरकार के साथ साथ समाज की ड्यूटी भी है, और शहर भी अद्भुत है। मंदसौर का नमकीन, यहाँ की दाल बाटी, दाल बाटी की दाल बाफले, दाल बाटी भी चलती है और दाल बाफले भी चलते हैं, अफीम की भाजी, भाजी खाना है बाकी नहीं, और अपने लहसुन की चटनी, और केवल लहसुन की चटनी रखवा देना भाई, हम भी हेलीकॉप्टर में खाएंगे मंदसौर का गौरव दिवस। एक नहीं, पोस्ता के दाने का हलवा, नलवाए का लच्छा पाक बड़ा फेमस है, और रेलवे स्टेशन पर भाटी जी के भजिए की दुकान, और पाव बड़े कौन के हैं, अरे मुनीम जी के पाव बड़े, पाव भी और बड़े भी। ये सचमुच अपना मंदसौर अद्भुत है, यहाँ का खान, और अब तो 56 दुकान भी मैंने सुनाया है, क्या 56 दुकान,
की चौदह ही बात कर देती है। ये अद्भुत अपना मंदसौर, इसके गौरव दिवस पर मैं आप सबको बधाई देता हूं। लेकिन आज मैं याद करना चाहता हूं, और आप भी याद कीजिए, पशुपतिनाथ मंदिर के लिए बड़ा संघर्ष करने वाले बाबू शिवदास अग्रवाल जी को, उनके चरणों में प्रणाम। प्रत्यक्षानंद जी महाराज, जिनके कारण पशुपतिनाथ भगवान की मूर्ति स्थापित हो सकी, उनके चरणों में प्रणाम। और मंदिर के लिए अपने आप को बलिदान देने वाले मस्त राम महाराज को भी मैं नमन करता हूं। और आज आपने एक बात कही है इस भाई, अपना मंदसौर है, आप मांगते रहते हो, कड़की बहुत रहती है सरकार के पास, लेकिन हम देते रहते हैं। अब एक बात और आई है कि कैसे भी भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर, शिवना नदी हमारी, शिवना माई, उनका जीर्णोद्धार होने वाला है, तो हमारा स्थान अद्भुत तो है ही, वो तो उन्हीं की कृपा से है, लेकिन यहां भी एक भव्य परिसर की कॉरिडोर की शुरुआत हो जाए। आप बताओ होना चाहिए कि नहीं? ऐसे नहीं पीछे तक आप आ जाए तब, बोलो होना चाहिए कि नहीं? तो बोलो हर हर महादेव। उसकी रूपरेखा तैयार कीजिए, जगदीश जी मुट्ठी खोल दीजिए। अभी कलेक्टर ट्रस्ट के अध्यक्ष है, जरा रूपरेखा बना भाई, नहीं जरा हिसाब किताब से बना ना। लेकिन मंदसौर की गरिमा के अनुरूप, और केवल मंदसौर नहीं, आसपास कहीं भी चले जाओ भगवान पशुपतिनाथ की कृपा बरसती है, उसके अनुरूप एक परिसर का निर्माण हो जहां से सब पर कृपा की वर्षा हो। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, जब जब जो जो मांगा मंदसौर ने, हमने देने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कभी कंजूसी नहीं की, और आज गुजरात में तो चमत्कार ही हो गया। मन नहीं मान रहा मेरा, इतना तो कह ही दूं, अब मोदी जी का नेतृत्व में ऐसा चमत्कार ही है कि बताओ, सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। माधव सिंह सोलंकी जी का रिकॉर्ड टूट गया, 157 सीटें जीत गए, बाकी तो 15-16 ही पर रह गए, और मंदसौर वाले भी गए थे वहां। मंदसौर दसपुर वाले जाएं 10 सीटों पे तो जिता लाएं। तो मोदी जी को भी आज ताली बजा के बधाइयां दे दो भाई, जोरदार ताली बजाएं। लेकिन आज जब सब शहर मुझे सुन रहे हैं, तो मंदसौर के गौरव दिवस पर जनता के कल्याण के कुछ और काम हो जाए। सुनो रे भैया, मैं एक बार यहां कह के गया था, मध्यम वर्गी, निम्न मध्यम वर्गी, गरीब आदमी छोटा मोटा जमीन का टुकड़ा खरीद लेता है। मैं नई अवैध कॉलोनी की बात नहीं करूंगा, उस पर सख्त होना चाहिए, बिल्डर प्लाट काट के पैसे लेकर निकल लेता है, जनता परेशान होती है। मैं नई की बात नहीं कर रहा, लेकिन मध्य प्रदेश के सभी 413 शहर के लिए मैं कह रहा हूं, जितनी पुरानी अवैध कॉलोनी है, कई बार जब अवसर बनाते हैं प्रक्रिया, तो इतनी जटिल बना देते हैं कि हो ही नहीं पाए। लेकिन आज हम सरलीकरण करते हुए नाम मात्र की राशि पर सभी 413 शहरों की अवैध कॉलोनियों को वैध करने का फैसला कर रहे हैं। कोई प्रक्रिया नहीं, एक नॉमिनल राशि जमा करवाएंगे, और वैसे भी आपने काम तो करा ही दिया कई जगह। लेकिन देखिए, रह कौन रही जनता? अब भैया गरीब ने, मध्यम वर्गी ने, निम्न मध्यम वर्गी ने, गुमटी वाले ने, ठेले वाले ने, छोटी मोटी दुकान वाले ने खरीद लिया छोटा मोटा प्लाट और बना लिया घर। सरकार आ गई, बोलिए तो अवैध है, अब तुमने वैध तो दी नहीं, वो बेचारा रह रहा है तो उसको अवैध कर दो। अब दिल दिल पे हाथ रख के बता, देखो मैं तो भाई जनता का नेता हूं, आप बताओ ये वैध होना चाहिए कि नहीं? ईमानदारी से बताओ, पीछे तक बताओ होना चाहिए कि नहीं?
तो सारे नियम प्रक्रिया जगदीश जी भूपेन जी के साथ मिलके तय कर लो, ले आओ कैबिनेट में, तो कर दिया जाएगा। अब गरीब आदमी जाए कहां आखिर, और सरकार होती किसके लिए? नियम प्रक्रिया जनता को सुविधा देने के लिए है, उलझाने के लिए नहीं है, सुलझाने के लिए है। और वैसे ही जिनके वर्षों से, ताजा नहीं कह रहा मैं, और अवैध कॉलोनी नहीं बनने नहीं दूंगा मैं, और अगर कोई बनी तो फिर मैं कार्रवाई कर दूंगा, लेकिन जिनके पुराने वर्षों के प्लाट पड़े, छोटा मोटा मकान बना के रह रहे, कई कॉलोनियां ऐसी है कि सिंधी भाई आए 1947 जगह पर रह रहे हैं। अब यहां पता नहीं कितने परिवार, मुझे जानकारी नहीं मिली, कई जगह देश का विभाजन हुआ और यहां रह रहे हैं। अब तक उनका ठिकाना नहीं पड़ने दिया बिचारों का, पट्टे मिले नहीं उनको, और इसलिए नागरिकता भी मिलेगी, और ऐसे जितने भी भाई बहन है जो परसों से रह रहे हैं उन सबको पट्टे भी दे के मालिक बनाया जाएगा। भाई बोलो बनाना चाहिए कि नहीं, तो बोलो भारत माता की। जनता के कल्याण के काम करें। एक समस्या और है खाद की। अब खाद की उपलब्धता है, यूरिया है, अब जो डिफॉल्टर रह गए, वैसे अब कैबिनेट में हम ला रहे हैं प्रस्ताव, डिफॉल्टरों का ब्याज तो भरवाना है, क्योंकि मैंने उस समय कहा था कमलनाथ ने कर्जे के नाम पर जो बोझ लोगों के सर पे रख दिया है उसको कम करने के लिए ब्याज भरेंगे, वो योजना पूरी बन गई है किसानों के लिए, वह कैबिनेट में आ रही है। लेकिन खाद के वितरण के लिए कलेक्टर यहां है, कम केंद्र का है, ज्यादा बना दो। अब 50 किलोमीटर दूर से यार दो बोरी ले जाए, बताओ कहां ले जाए दो बोरी, फिर दो बोरी के लिए दोबारा आए। आज ही मैं ये फैसला कर रहा हूं कि या तो पर्याप्त मात्रा में केंद्र बनाए, और नहीं तो सोसाइटी पर ही नगद, डिफॉल्टर भी किसान है तो उसको दे दिया जाए, जनता की सुविधा के लिए है। नियम प्रक्रिया है जनता के लिए। अब मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि पैसे से खाद खरीद रहे, अब वो खाद दूसरी जगह बेचेंगे तो वहां भी पैसा गिनेंगे, तो सोसाइटी पे पैसा गिन लें, कौन सी दिक्कत है? और सोसाइटी में गड़बड़ हो जाएगी, अब कोई गड़बड़ फड़बड़ नहीं हुई, पैसा गिनो और जमा करो, मेंबर रहे, डिफॉल्टर है, बस डिफॉल्टरों की दिक्कत है। तो देखिए, जनता को सुविधा देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है भाई, और इसलिए जनता को दिक्कत और परेशानी ना आए। देखो मेरे बहन और भाई, पिछले दिनों हमने तय किया कि जितनी भी समस्याएं हैं, अलग अलग योजनाएं लोगों को लाभ पहुंचाने की, हितग्राही मूलक, उनके लिए सीएम जन सेवा शिविर लगाया जाएगा। यहां सीएम जन सेवा शिविर लगे ना, जोरदार लगे, कितने शिविर लगे यहां सीएम जन सेवा के, कितने शिविर लगे हर पंचायत में, लगे ठीक से लगे, कितने नाम जोड़े ने? नहीं, जो हितग्राहियों के नाम जोड़े ना, नए किसी का जुड़ा होगा किसान सम्मान निधि में, 1,10,000 नाम जुड़े। देखिए, सरकार भोपाल से नहीं चौपाल से चलेगी, जनता काय को चक्कर लगाए, सरकार जनता के द्वारे जाएगी, और इसी भाव से हमने ये शिविर लगाए थे ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। अब उनको भी स्वीकृति पत्र वितरित करके और लाभ देना प्रारंभ किया जाएगा। मेरे बहनों, मैंने एक बात आप कही थी अभी कि यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, आपके आशीर्वाद से हम लोग सरकार चला रहे हैं, हमने तय किया एक सिंचाई का पानी। देखिए, सरकार सरकार में कैसा फर्क होता है, पहले भी सरकारें रही कई दिनों तक, गांधी सागर का पानी लोग कहते थे अगल बगल में नहीं जा सकता, हम टनल बना के भी पानी ले आए,
जमीन खोद कर जमीन में से भी पानी ले आए। भानपुरा तहसील भी पूरी हो गई। हम पीने, हम सिंचाई का भी पानी देंगे और पीने का पानी भी देंगे, एक एक बूंद पानी का उपयोग करेंगे। और एक अभियान चल रहा है अलग अलग सिंचाई की योजनाओं का, उनके विस्तार में आज मैं नहीं जा रहा, अलग अलग सिंचाई योजनाओं पर काम चल रहा है। लेकिन अपनी बहनों के लिए हैंडपंप से पीने का पानी ना भरना पड़े। और इसलिए मेरी प्रिय बहनों, अभी हमने लगभग 1600 करोड़ रुपया खर्चा करके ये तय किया कि पानी बांध से खींच के लाएंगे, घर घर में पाइपलाइन बिछा के और टोटी वाला नल लगाएंगे, टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा और बर्तन सारे भर जाएंगे, छुटकारा मिल जाएगा हैंडपंप से। मैं विस्तार में आज नहीं जाऊंगा, लेकिन आप देखो ऐसी कितनी योजनाएं हैं जनता की जिंदगी बदलने का काम कर रही है। मंदसौर का विकास हमारी प्राथमिकता है। मंदसौर में पिछले दिनों मेडिकल कॉलेज से लेके अब तक हमने कई काम किए हैं। हर शहर में विकास के काम हो रहे हैं। 12000 करोड़ रुपया शहरों में, केवल कह रहा हूं, पीने के पानी के लिए और सीवेज के सिस्टम के लिए पूरे मध्य प्रदेश में हम खर्च करने वाले हैं 12000 करोड़ रुपया। अब आजकल तो करोड़ रुपया बताली बचती नहीं है उनका। एक जमाना था जब वो निधि आई थी, सांसद निधि, मैं भी सांसद था उस समय, तो कहीं 25000 रुपया मुरम के देते थे, मुरम रोड के, तो साल श्रीफल सांसद जी लड्डू लो बाफले खाओ, उसके लिए तरस जाते थे। अब तो हजारों करोड़ का मामला है, अपना खजाना खाली वाली रहते ही नहीं, वो रोते ही रहते थे खाली है क्या करें, मामा लूट ले गया। मैं कहता हूं जनता के लिए कोई कमी नहीं है रे भैया पैसा की, जरूरत पड़ेगी तो और लाएंगे। और कल सरपंच या सरपंच बैठे कि नहीं कुछ, तो हाथ उठाओ सरपंचो, कल मजा आया कि नहीं आया, अरे जोर से बता दो आया कि नहीं। क्योंकि काम में बेचारे सरपंच भी, कोई भी आए कौन घर, चलो सरपंच के घर, सरपंच साहब चाय लाओ, सरपंच साहब खाना खिलाओ, सरपंच साहब भला ना करो। अब सरपंच काय में करे, अब आप कुछ दोगे ही नहीं तो बुरकाएगा कहां है मट्टी का काम, उसमें से देखो। लेकिन औपचारिक व्यवस्था करो, इसलिए मानदेय से लेकर बाकी सारी चीजें वो बढ़ाने की हमने कोशिश की है। मेरे बहनों और भाइयों, मेरे बच्चे बड़ी संख्या में बैठे हैं। देखो मध्य प्रदेश के बच्चे बहुत प्रतिभाशाली हैं, बहुत टैलेंट है इनमें, कोई कमी नहीं है। और एक बात मेरे बच्चों को कह रहा हूं आज, आप सबको भी कह रहा हूं, मंदसौर के गौरव दिवस पर मंदसौर तय करें, हमने बच्चों की शिक्षा में परिवर्तन के लिए सीएम राइज स्कूल खोलने का फैसला किया है, सीएम राइज स्कूल। और मैं आज कह रहा हूं ये मध्य प्रदेश में शिक्षा के लिए एक बहुत बड़ी घटना है। 38 करोड़ रुपए की बिल्डिंग हम बना रहे हैं, यहां 34 करोड़ दिए, लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, प्लेग्राउंड, प्राइवेट स्कूल से बेहतर सुविधाएं देके ये स्कूल हम खड़ा कर रहे हैं। और ये एक गांव के लिए नहीं है, हमारा जो सोच है जिले में, हर जिले में है, आपके यहां भी आए और ये बढ़ाएंगे, अभी इतने ही नहीं आएंगे। हमारी कोशिश है कि 25-30 गांव के बीच में एक सीएम राइज स्कूल, और सीएम राइज स्कूल में बसें चलेंगी, बसों से बच्चे लाएंगी गांव से स्कूल में छोड़ेंगी, शाम को फिर घर पे छोड़ के जैसे प्राइवेट स्कूल की बस चलती वैसी चलेंगी। और विश्व स्तर की शिक्षा हम इसमें देंगे ताकि मेरे बच्चे ये आगे बढ़ सके, किसी भी कीमत पर पीछे ना रहे। तो सीएम राइज स्कूल पे हम काम कर रहे हैं। और मेरे बेटा बेटियों, बड़ा षड्यंत्र हुआ अपने साथ, विशेषकर जो सामान्य परिवारों में जन्मे, जो गरीब परिवारों में जन्मे, मध्यम वर्गीय परिवारों में जन्मे, अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी हम पे लाद दी गई। अंग्रेजी हर काम बड़ा कायम होगा, मेडिकल की पढ़ाई अंग्रेजी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कायम होगी अंग्रेजी में। अब जरा ईमानदारी से बताओ, जो हम गांव में पढ़े किसानों के बेटे, गरीबों के बेटे, बताओ अंग्रेजी में मुकाबला कर सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो मेरे बेटा बेटियों,
अंग्रेजी का मतलब बुद्धिमान नहीं है, ये जबरन एक बिठा दिया। फ्रांस में फ्रेंच में पढ़ाई होती है, जापान में जापानी में, चीन में चीनी में, अलग अलग देशों में अपनी भाषा में पढ़ाई होती है, लेकिन हमें अंग्रेजी का गुलाम बना दिया। अंग्रेजी हम पर राज करने लगी, उसे आए चाहे नहीं आए, टूटी आए चाहे फूटी आए, अंग्रेजी बोलने में सीना फूल जाता, हेलो हाय हाउ डू यू डू। अब उसके अलावा आए चाहे नहीं आए। अब आजकल मैं देखता हूं ये अर्बन वाला कार्यक्रम है, आई लव माई मल्हारगढ़। अब बताओ कोई मतलब है क्या? अरे अपनी संस्कृति में लिखो, अपनी भाषा में लिखो, मेरा प्यारा मल्हारगढ़ लिख दो, मेरा प्यारा मंदसौर लिख दो, वही लिखा है, आई लव तो नहीं लिखा आपने, बेकार अंग्रेजी कर। ऐसा कर दिया भारत में, और ये षड्यंत्र था, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं षड्यंत्र, बड़े लोगों का षड्यंत्र, बड़े लोगों का, अपने ही बच्चे बड़े पदों पर पहुंचे, इसलिए चलने दो अंग्रेजी, ताकि बड़ी आबादी मुकाबला ही नहीं कर पाए। अंग्रेजी में मेडिकल इंजीनियरिंग, मेरा बेटा बेटियों अंग्रेजी की गुलामी को उतार कर फैसले करने का फैसला की, फेंकने का फैसला किया है हमने, और तय कर दिया मध्य प्रदेश की धरती पर मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी अब केवल हिंदी भाषा में होगी, हिंदी में होगी, ताकि हमारे गांव के बच्चे भी पढ़े, किसान के बेटा बेटी भी पढ़े, गरीब के बेटा बेटी भी पढ़े। धल्लू पन्ना कल्लू मन्ना चन्ना जुम्मन, तेरे बेटा बेटी भी तो डॉक्टर बने रे, डॉक्टर मिश्रा की तरह क्यों नहीं बने बताइए। कई चीजें ऐसी कर दी कि उसके कारण बच्चे हमारे पिछड़ गए, तो इन सारी चीजों को एक तरफ करने का हमने फैसला किया है, हिंदी में पढ़ाई का हमने संकट किया है। आज कई शहरों के लोग हमसे जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी कह रहा हूं, अभी सरपंचों को तो मैंने बुला लिया, लेकिन अब मेयर नगर पालिका अध्यक्ष पार्षद वो भी सोच रहे हैं कि मामा हमें बुला रहे कि नहीं बुला रहे हैं, आपको भी बुलाने वाला हूं जल्दी। नगरों के विकास की संपूर्ण रूपरेखा हमको बुलानी है, और इसलिए इसी महीने नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों को भी बुलाएंगे हम, उनके साथ बैठ के विकास की पूरी रूपरेखा और रणनीति शहरों की तैयार करेंगे, शहर आगे बढ़े। गांव में आप देखिए, गांव और शहर दोनों में मकान बन रहे हैं गरीबों के, प्रधानमंत्री आवास के मकान, प्रधानमंत्री जी पैसा भेजते हैं, राज्य सरकार पैसा मिलाती, दोनों मिलकर मकान बनाते हैं। एक बात और, ग्रामीण क्षेत्र के लिए जिनके पास रहने की जगह नहीं है, एक घर में बाप के चार बेटा हो गए, उनकी चार बहुएं आ गई, उनके बेटा बेटी हो गए, फिर और आ गए, तो पता चला 50-50 भरे छोटे से घर। अब जब धरती पे पैदा हुए तो इतनी जमीन का तो हक और अधिकार है कि अपना छोटा मकान बना के रह सके, इसलिए मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के अंतर्गत हमने फैसला किया है कि हम ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में भी सभी भाई बहनों को पट्टे देने का काम करेंगे, जमीन का टुकड़ा देंगे। अपने आवेदन आए मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के? कितने आए? प्रोसेसिंग कर ली तो वो भी हम देंगे। अब जो भी हो, लेकिन इतनी जमीन तो चाहिए, सरकार को बुनियादी चीजों की व्यवस्था करनी चाहिए, इसलिए मैं आपके सामने ये बात कह रहा हूं। तो सभी शहरों का सुनियोजित विकास होगा, धन की कमी हम नहीं आने देंगे। मैंने बताया 12,000 करोड़ रुपया सीधे एक निधि से, और उसके अलावा 8,000 करोड़ और ऐसे 20,000 करोड़ रुपया हम खर्चा करने वाले हैं अलग अलग कामों के लिए। मंदसौर भी विकसित हो, सारे शहर भी विकसित हो, यह हमारा लक्ष्य है, गांव भी आगे बढ़े। आज फिर कई भाई बहनों के खाते में पैसा डाला है हमने, कई मकानों का भूमि पूजन हुआ है शहरों में, कई मकानों का दूसरी तीसरी किस्त मिली है जो मकान बन रहे थे, और कई मकान जो बन गए उनमें आज गृह प्रवेश का कार्यक्रम हुआ है। ऐसे सभी बहनों और भाइयों को जिन्होंने आज अपने घर में प्रवेश किया है, मैं हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं। मकान बनाने का ये कार्य जारी रहेगा, और एक अभियान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, दुष्टों का दलन,
गुणों का नाश, वो प्रयास लगातार चलते रहे, क्योंकि कई बार माफिया, तस्कर आतंक और उत्पात मनाते हैं, मचाते हैं, ऐसे लोगों को भी हमने कुचलने का फैसला किया है। आज बेटियों के पैर धोके, दिव्यांग बेटियों के, हमने इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया था। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है मेरे बहनों और भाइयों कि मासूम बिटिया का अपमान किया, अगर किसी ने गलत नजर से देखा तो ऐसे अपराधी को सीधे फांसी के फंदे पे चढ़ाने का हमने फैसला लिया है, और 89 लोगों को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। माँ बहन और बेटी का सम्मान ये हमारी ड्यूटी है। मैंने जो कुछ कहा आपने सुना मंदसौर के लिए, आज मंदसौर से एक कमिटमेंट मैं लेना चाहता हूं, कुछ मांगना चाहता हूं मंदसौर वालों से। बोलो मांग लूं क्या? धीरे से बोल रहे हैं, मांग लूं क्या? मेरी बहनों, एक तो शहरों में भी शुरू हो गया है हमारा आजीविका मिशन का काम, आज उस पर नहीं बोलूंगा, लेकिन चार पांच चीजें गौरव दिवस पर मैं मांग रहा हूं। देखो, अपना शहर है, हम सोचें कि मुख्यमंत्री करे, मंत्री करे, विधायक करे, सांसद करे, अकेले इससे काम नहीं चलता। अपने शहर को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको आगे बढ़ के संकल्प लेना पड़ता है, और मुझे खुशी है कि मंदसौर ऐसा शहर है जहां कोविड के समय भी लोगों ने बड़ी सेवा की है। एक परिवार जिसको मैंने सम्मानित किया था उस समय आके, दवाइयों से और बाकी चीजों से ट्राइसिकल उन्हें भेंट की, अनाथ बच्चों को मंदसौर रखता है, गड़ेरी बाल चैरिटेबल ट्रस्ट, तो अद्भुत अपना शहर है। आज मैं केवल ये निवेदन कर रहा हूं कि मैं रोज पेड़ लगाता हूं, पर्यावरण बचाना आज हम सबका कर्तव्य है। ये धरती आने वाली पीढ़ियों के लायक रहने के लिए हम छोड़े, इसलिए हरी भरी रहनी चाहिए। मैं रोज पेड़ लगाता हूं, 3 पेड़ मैं भोपाल में रोज लगा के, और कहीं बाहर हुआ तो बाहर लगाता हूं, उसके अलावा आपने लगवाए मंदसौर में एक्स्ट्रा लगे, मैं रोज पेड़ लगाता हूं। मैं रोज पेड़ की बात नहीं कर रहा, मैं केवल इतना निवेदन कर रहा हूं मंदसौर वालों, जब अपना जन्मदिन आए तो और बाकी सब करना, लेकिन एक पेड़ जरूर लगा देना। बोलिए लगाएंगे? मेरे भांजे भांजी भी लगाएंगे एक पेड़ साल भर में। बेटा बेटी की शादी हो जाए तो शादी की खुशी में एक पेड़ लगा दो, माता पिता की पुण्य स्मृति में पेड़ लगा दो, सहज ही धीरे धीरे पेड़ लग जाएंगे और मध्य प्रदेश हरा भरा हो जाएगा। तो एक पेड़ लगाने की मैं अपील करता हूं। दूसरी मेरी अपील है आप सबसे, और वो अपील है बेटी और बहन के सम्मान की। मंदसौर माँ बहन और बेटी के सम्मान करता है, लेकिन फिर भी मैं अपील कर रहा हूं, बेटी को आने दें, बेटी है तो कल है, बेटी के बिना दुनिया नहीं चल सकती, तो बेटी का बेटे की तरह मान और सम्मान करें, बेटी को इज्जत देने का काम करें। बोलिए सब तैयार हैं? तो बोलिए भारत माता की। तीसरी चीज, पानी खूब आ रहा है, लेकिन पानी की एक एक बूंद का उपयोग होना चाहिए, एक भी बूंद पानी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, इसलिए हम पानी जितना जरूरी होगा उतनी खर्च करेंगे, पानी बचाने का भी काम करेंगे। बोलिए करेंगे सब? तो बोलिए भारत माता की। और एक काम और, हर बच्चा हमारे गांव का, मोहल्ले का, वार्ड का स्कूल जाए, बिना पढ़े लिखे ना रहे। देखो जो बच्चे मेधावी हैं, बारहवीं में 75% नंबर लाएंगे तो मामा लैपटॉप भी दिलवाएगा, और मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होगा तो फीस भी मामा भरवाएगा, मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। बस बच्चे पढ़ते रहें तो हम भी ध्यान रखें उनका, कि हमारे गांव का और वार्ड का हर बच्चा पढ़े, उसमें हम ध्यान देंगे। बोलिए देंगे? तो बोलिए भारत माता की। और अंतिम बात, कठिन जरूर है, नशा नाश की जड़ है। मैं लगातार ये अलग जगाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम कोशिश करें कि हमारा गांव स्वेच्छा से, जबरिया बंदी से नहीं होता है, स्वेच्छा से कैसे नशा मुक्त गांव बने। हम कोशिश करें कि धीरे धीरे नशे की प्रवृत्ति जिनकी है उनका भी नशा छूटे और हमारा गांव नशा मुक्त गांव बन जाए। तो मैं सच कहता हूं
प्रगति और विकास की नई राह खुल जाए तो हम अपने गांव को नशा मुक्त गांव बनाए। बोलिए तैयार हैं? कम बोल रहे हैं लोग थोड़े, सब तैयार हैं तो बोलिए भारत माता की। एक बार मंदसौर के गौरव दिवस पर फिर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं। शहर ने अद्भुत काम किया, धर्माचार्यों को सब धर्मों के मैं प्रणाम करता हूं, सब साथ मिलकर जुट गए। महीना भर अलग अलग गतिविधियां चली, अद्भुत वातावरण बना और ये वातावरण अपने शहर को बढ़ाने में मील के पत्थर का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बोलिए पशुपतिनाथ भगवान की। अब चूंकि अलग अलग जगह हमारे लोग जुड़े हैं और ये मैंने वचन दिया था कि उनसे हम संवाद करेंगे, तो हम सबसे पहले चलते हैं मोहना नगर परिषद ग्वालियर। मोहना वाले जुड़े हैं क्या? हमारी बहन मीना बाई है वहां? बोलो मीना बाई। हाँ। क्या मकान बन गया आपका? नमस्ते सर। मकान अच्छा बना है? बन गया सर। तो घर में प्रवेश कर लिया आपने? हाँ सर। क्या करती हैं आप? पानी पूरी का ठेला लगाती हैं। अरे पानी पूरी का सुन के तो मुंह में पानी आ गया मेरे भी। अब जब कभी मोहना आऊंगा तो खाऊंगा पानी पूरी। आपको मकान की पूरी जी सर जरूर आना ठेले पे। हाँ ठेले पे ही, ठेले पे ही आके खाऊंगा मैं। आपको किस्त पूरी मिल गई मकान की? मिल गई सर। किस्त लेने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। कोई ने पैसा ऐसा तो नहीं मांगे? नहीं सर। सही में? सही में किसी ने नहीं मांगे। नहीं मांगे? चलिए नहीं मांगे। और घर में कौन कौन है आपके? मैं और मेरे पति और दो बेटे। दो बेटे क्या कर रहे हैं अभी? पढ़ाई कर रहे हैं सर। तो अच्छे से पढ़ाना अपने दोनों बच्चों को है। हाँ सर। गृह प्रवेश पर आपको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं, बच्चों को भी आशीर्वाद। अब हनुमाना चलते हैं। हनुमाना। जी सर जी सर जी सर जी सर। क्या बात है, तो जादू वाला माइक है। संगम लाल है क्या? संगम लाल है क्या? जी सर जी सर जी सर। संगम लाल जी मकान बन गया? मकान बन गया। अच्छा भूमि पूजन हुआ है? अच्छा भूमि पूजन हुआ है तो पैसा ऐसा किस्त के मिले कि नहीं? मिल गए सर। मिल गए सर। कितने मिले? एक लाख रुपए सर। तो एक लाख में मकान का काम कब शुरू कर रहे हो? करेंगे सर। करेंगे सर। अरे जल्दी करना, आप ऐसे कह रहे हो जैसे एक आध महीने बात करेंगे। सर आज तो आपसे ही बात हो रही है। तो आप जल्दी काम शुरू कर लेना भैया। जी सर। ये किस्त पूरी होगी तो दूसरा किस्त मिल जाएगी, फिर तीसरी किस्त मिलेगी। जी क्या काम कर रहे हैं आप अभी? मजदूरी का काम करते हैं सर। अरे पसीने की खाते हैं, गर्व की बात है। घर में कौन कौन है? घर में कौन कौन है? बच्चे हैं सर, पत्नी है। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे क्या करते हैं? पढ़ते हैं सर। कौन सी क्लास में? कौन सी क्लास में? सबसे छोटा तो सर सिक्स में है। हाँ। उससे बड़ा ट्वेल्व में है सर। ट्वेल्व वाले है बैठे क्या या ट्वेल्व वाले? जरा बेटे को माइक दो, जरा इससे पूछता हूँ मैं। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? संदीप वर्मा सर। संदीप बारहवीं की परीक्षा कितनी महत्वपूर्ण है पता है तुम्हें? यस सर। तो बारहवीं में पता 75% नंबर लाओगे तो क्या मिलेगा? लैपटॉप। लैपटॉप तो लैपटॉप लोगे ना? यस सर। खूब मेहनत करो बेटा, लैपटॉप लेना मामा से और फिर खूब आगे बढ़ना पढ़ना है। बहुत बहुत बधाई। अब एक जगह और बात करते हैं, बालाघाट। अनिल कुमार है क्या? अनिल कुमार है क्या? जी मामा जी। अनिल जी क्या हाल है? अनिल जी क्या हाल है? बढ़िया मामा जी, आपके आशीर्वाद से बढ़िया मामा जी। आपका काम धंधा कौन सा, काय का है? ये गन्ना जूस का ठेला है मामा जी। तो ये अभी सर्दियों में भी गन्ना जूस चल रहा है क्या? जी मामा जी, बालाघाट में चलता है मामा जी।
बालाघाट बड़े दमदार है लोग, मैंने सुना है गर्मी में गन्ने का जूस पीते हैं, सर्दियों में भी चल रहा है। अच्छा जी मामा जी, पीएम स्वनिधि के पैसा मिले? जी मामा जी, 2020 में 10,000 रूपए मिले थे मामा जी। हाँ, उससे मैंने उससे अच्छे से पटा दिया, तो फिर 20,000 का लोन मिला मुझे, तो मैंने बाजू में फिर फ्रूट जूस की दुकान डाला हूँ। अच्छा, गन्ने के साथ अब फ्रूट जूस की दुकान भी हो गई? जी मामा जी, उसके बाद अभी 2022 से मुझे 50,000 रूपए का लोन मिला है। अरे वाह, ताली बजा के स्वागत करो भाई, 50,000 का भी ले लिया है। जी मामा जी, देखो ये योजना पीएम स्वनिधि की, 10,000 लो बिना ब्याज के, 10,000 दो तो 20,000 लो, वो भी बिना ब्याज के, 20,000 लौटा दो तो 50,000, तो धीरे धीरे काम धंधा बढ़ाने के लिए वरदान है ये योजना। कोई दिक्कत तो नहीं हुई पैसा लेने में? जी नहीं मामा जी। तो ठीक है भैया, आपके साथ जी, आपके साथ हमारे कई प्रमुख साथी बैठे हुए हैं, उनको भी मैं नमस्कार कर रहा हूं, और आपकी दुकान खूब चले, अच्छे से चले, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, नमस्कार जी। जी धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मैं माननीय विधायक